हे वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबों का थिंक सेंगविन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इडियम्स और फ्रेजेस को लेकर चर्चा करूंगा। इससे पहले मैंने आपको ब्लू इडियम्स को बताया था और उसी का ये पार्ट टू है। दोस्तों, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप इसे सीख लेते तो अपने घर में भी आप चुटकियों में शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे मान लीजिए अचानक आपको कोई न्यूज आ जाता है जिसकी आप एक्सपेक्ट नहीं करते, तो आप दोस्तों उसका वर्ड खोजने लगते क्या इसका शब्दों का। लेकिन दोस्तों, इडियम्स और फ्रेजेस एक ऐसा चीज है, अगर वो आपको याद है तो आपको ज्यादा शब्द को जरूरत जो है वो नहीं होगा, आपको आप इजीली कर पाएंगे चीजों को। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज का इडियम्स फ्रेजेस, वो डे टू हमारा होगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। लेट अस बिगिन। चलिए देखिए, सबसे पहला वो है कि मतलब पहला वो जो आपका इडियम्स है वो है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। चलिए इसको हम समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इसको लिखेंगे भी। देखिए, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब हुआ सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। मतलब ऐसा कोई चीज हो जाता है आपके एनवायरमेंट में जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अचानक क्या हुआ कि आपके मोहल्ले में जितने भी डॉग्स थे सडन एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, गायब हो गए, तो आप सोचेंगे बॉब कहां चले गया, क्या हो गया यार, ठीक है। तो उस तरह का जो आपका जो होता है पल होता है अचानक शॉक का, एकदम दिमाग में आपको झनक सा महसूस होगा, ठीक है दोस्तों। और कई सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें हम लोग दोस्तों इस तरह का वर्ड का यूज करते हैं, इस तरह का इडियम्स का यूज करते हैं। हिंदू न्यूज़पेपर इसका बहुत वाइड यूज करता है, बहुत सारा कई सारे ऐसे मतलब जघन्य अपराध हुए, हीनियस क्राइम हुए जिसमें इस वर्ड को इस इडियम्स को यूज किया जाता है। तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब दोस्तों होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। क्लियर दोस्तों, क्या होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, ठीक है दोस्तों। इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी ब्लू बॉक्स से, मान लीजिए हमारे पास एक ब्लू बॉक्स है, ठीक है, और इसमें से जो भी हम बोल्ट निकालते हैं, बोल्ट मतलब समझ लीजिए कुछ नट टाइप का, वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, आश्चर्यजनक होता है, शॉक देने वाला है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ब्लू बॉक्स से बोल्ट सही से निकालिएगा। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। तो चलिए इसी पर हमें जो है इडियम्स याद आ गया। बताइए पेंड्रॉक्स बॉक्स का मतलब क्या होता है, आप अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड हम लिखते हैं ब्लू आइड बॉय, व्हाट आइडियम्स, ठीक है दोस्तों। ब्लू आइड बॉय का मतलब मैं आपको पहले एक छोटा सा कहानी बताता हूं जिससे आप समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक गांव रहता है, ठीक है, उसमें सभी लोगों का आंख काला होता है और वो दिखने में भद्दा लगते हैं, लेकिन एक वहां पर बच्चा पैदा होता है जिसका जो आंख होता है वो काफी नीला होता है, तो उसको वहां के लोग इतना पसंद करते हैं कि वो सबका फेवरेट हो जाता है, ठीक है। तो ब्लू व्हाइट बॉयज का मतलब हुआ कि फेवरेट, पसंदीदा, क्या हुआ दोस्तों, पसंदीदा, ठीक है दोस्तों। मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। चलिए अब अगला आपका आइडियम से ऑन्स इन अ ब्लू मून, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कभी कभी दिखना, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसे दोस्त होंगे आपको, वो कभी कभी उगते होंगे, आपको दिखाई देते, तो आप कहते यार बड़े दिन के बाद मिलते हो। तो ऑन्स इन अ ब्लू मून का मतलब हुआ कि कभी कभी नजर आना, ठीक है, रेयरली, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है, एक छोटा सा शहर होता है, ठीक है, उस शहर में जो चंद्रमा होता है ना वो कभी कभी निकलता है, निकलता तो है लेकिन ब्लू कलर वाला चंद्रमा कभी कभी निकलता है, इसलिए लोग उसका पेशेंटली वेट करते रहते हैं। तो ऑन्स अ ब्लू मून का मतलब हुआ रेयरली। क्लियर है दोस्तों, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। चलिए अब दोस्तों इसका मतलब ये आपको पता चल गया, इसका मतलब हुआ रेयरली, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है ब्लू रिबन, ठीक है। देखिए दोस्तों अब क्या होता है, किसी को आप जब गिफ्ट देते हैं ना तो वो उसके लिए उच्चतम प्राइस होता है, प्राइस होता है। और दोस्तों एक बात समझने का प्रयास कीजिए, जो ब्लू रिबन वाला गिफ्ट होता है वो सबसे उच्चतम प्राइस होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्लू रिबन मैंने सबसे उच्चतम प्राइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ा रहा हूं बिना रुके, ठीक है दोस्तों, बिना इंटरप्ट किए हुए। तो इसका मतलब दोस्तों टॉप ऑफ ब्लू स्ट्रीक, इसका मतलब होता है लगातार तेजी से बिना रुके हुए बोलना, ठीक है, कंटिन्यू स्पीक करना बिना रुके हुए, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट है ब्लू ब्लड, ओहो ब्लू ब्लड, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, जिस इंसान का रेड ब्लड छोड़ के ब्लू ब्लड हो जाता है ना, वो बड़ा ही रॉयल इंसान होता है, बड़ा ही शाही इंसान होता है। तो ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल, शाही, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू स्टॉकिंग, देखिए दोस्तों ब्लू स्टॉकिंग जो एक ऐसी, देखिए यूजुअली महिला लोग तो साहित्य में रुचि लेती नहीं है, ठीक है, आजकल काफी मॉडलिंग का जमाना हो गया, कोई महिला देख लेंगे तो बुरा मत आप लोग मानिएगा, ठीक है, आजकल मॉडलिंग का जमाना हो गया, सब कोई फैशन में जाना चाहता है, साहित्य में कोई नहीं जाना चाहता है,
तो ब्लू स्टॉकिंग जो होता है इसका मतलब होता है एक ऐसी औरत जिसको साहित्य में रुचि हो, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों ब्लू स्टॉकिंग। दोस्तों ये कुछ वर्ड हैं जो, ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। इसे चलिए एक बार हम क्विक में डिवाइस कर लेते हैं। सबसे पहला था बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। मैंने आपको बताया था कि भाई ब्लू नाम के बॉक्स से बोल्ट को सही से निकालो ना झटका लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू आइड बॉय, मतलब मैंने आपको गांव की कहानी बताई थी कि गांव में एक लड़का जन्म लिया था जिसका आंखें क्या थी, नीला थी, बाकी लोगों को काला थे, इसलिए ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है पसंदीदा, ठीक है। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, मैंने आपको बताया था एक गांव में चंद्रमा कभी कभी नीला वाला चंद्रमा निकलता था, इसलिए इसका मीनिंग होगा रेयरली, ठीक है। चलिए ब्लू रिबन मैंने आपको बताया था उच्चतम प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, ठीक है। और आगे है टॉक ए ब्लू स्ट्रीक, इसका मतलब बिना रुके लगातार तेजी से बात करना, ठीक है। चलिए ब्लू ब्लड मैंने आपको बता दिया शाही, और दोस्तों ब्लू स्टॉकिंग इसका मतलब एक ऐसी महिला जिसको साहित्य में रुचि हो। तो दोस्तों ये कुछ आपके टिप्स एंड फ्रेजेस थे बेस्ड ऑन ब्लू कलर। अगली वीडियो में हम लोग दोस्तों ब्लैक कलर से रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस को करेंगे। दोस्तों आप इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से दोस्तों मेरा मोटिवेशन का लेवल और ऊंचा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।